ये मम्मी ने तोड़ दिया है लाई, लाई की सब्जी है ये। आज हरी सब्जी इसी की बनेगी, एकदम फ्रेश है, देख पा रहे होंगे आप। सुबह की शुरुआत ब्लैक टी के साथ और गुड़। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं दोस्तों? आपका स्वागत प्रणाम मेरी तरफ से और हमारे गांव से और प्यारे उत्तराखंड से। तो सुबह हो चुकी है, सुबह की चाय पी रहे हैं हम लोग और आज का दिनचर्या में, सुबह के दिनचर्या में व्यस्त हैं। और आज की सुबह कुछ ऐसी है, हमारे गांव में काफ़ी सुंदर है, धूप आ चुकी है, देख पा रहे हैं। और ये मम्मी ने तोड़ दिया है लाई, लाई की सब्जी है ये। आज हरी सब्जी इसी की बनेगी, एकदम फ्रेश है, देख पा रहे होंगे आप, ताज़ा ताज़ा है जो अभी इन खेतों से तोड़ी गई है। तो आज इसको अभी धोया गया है पानी में और पानी उतरने के लिए बाहर रखा है इसको ऐसे। उसके बाद इसकी काटा जाएगा इसको। तो आइए दिखाऊंगा अभी इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का। और बीच में ये सुंदर सा पपीता का पेड़ है हमारा, जिसमें छोटे छोटे पपीते लगे हैं, देख पा रहे होंगे आप। तो आप देख रहे हैं अभी ये सब्जी काट रही है मम्मी इसको, लाई के पत्तों को। इसमें बेलन में रख के काटा जाएगा इसको एकदम बारीक। और कढ़ाई में तेल रख दिया गया है, इसमें अभी मेथी के दाने डालेंगे, मेथी का छौंका लगता है इसमें जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। तो गाँव में इसको इसी में काटा जाता है, ये बेलन बोलते हैं इसको, चकला, हिंदी में चकला बोला जाता है, पहाड़ी भाषा में बेलन बोला जाता है इसको। तो ये वाली सब्जी कट चुकी है, देख पा रहे हैं आप। और यहाँ पे थोड़ा बचा है तो इसे काटने में लगी है मम्मी हमारी। तो गाँव में इसे एकदम सिंपल तरीके से बनाया जाता है, कोई हाईफाई इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, जो भी नेचुरल तरीका होता है उसी में बनाया जाता है। और हमारी ये लोहे की कढ़ाई जिसमें तेल गरम हो रहा है अभी, और मेथी के दाने डाल दिए गए हैं इसमें, देख पा रहे होंगे आप, जो हल्के हल्के रोस्ट हो रहे हैं अभी तेल में। तो अब सब्जी इसमें डाला जा रहा है, देख पा रहे हैं आप, और मसाले डाल दिए गए हैं इसमें, हल्दी, नमक और गरम मसाला हल्का। तो अभी देख रहे हैं इसको, सब्जी डल चुकी है और इसको मिक्स किया जा रहा है, मसाले मिल जाए अच्छे से। और इसके बाद इसको ढक दिया जाएगा इसी थाली से, ये नीचे थाली है। तो इसको पकने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे, अच्छी आंच में, हल्की तेज आंच में। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है सब्जी, लाई की सब्जी जो यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है पहाड़ों में। इसमें अब ढक्कन रख दिया है मम्मी ने, थोड़ा सा आंच बढ़ा रही है अभी, और थोड़ी देर में ये बनके तैयार हो जाएगा।
तो सब्जी चढ़ा दी है मम्मी ने, अभी थोड़ा देर का टाइम है उसे पकने में, तब तक मैं हमारा बैल को छोड़ आता हूँ जंगल, जो कि काफ़ी देर से वेट कर रहा है हमारा हमारा बैल जो कि इधर है ये। तो इसको मैं छोड़ आता हूँ जंगल, उसके बाद आपको दिखाता हूँ सब्जी कैसे होती है बनने के बाद। तो ये बैल जा चुका है हमारा अभी जंगल को, यहाँ से चला जाएगा आगे को। और यहाँ से कुछ ऐसा है हमारे गांव के पहाड़ियों का नज़ारा, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, देख पा रहे हैं आप। तो ये अभी लगभग तैयार हो चुका है, देख पा रहे होंगे आप। ये आज इसे चावल के साथ खाना है, इसलिए इसमें हल्का पानी मिलाया गया है, ये और गाढ़ा हो जाएगा अभी। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रहा है, ये देखिए इसका कलर ही बता रहा है जो कि ये कितना टेस्टी होगा। और मेन है इसकी ये लोहे की कढ़ाई में बनना, जो कि इसका स्वाद को और बढ़ा देता है। तो अभी थोड़ी देर में हम इसको नीचे उतार देंगे, उसके बाद यहाँ पे चावल बनाया जाएगा, उसके बाद हम लोग इसे खाएंगे। तो फाइनली खाना बन चुका है हमारा सुबह का, चावल बन गए हैं, इसमें लाई की तरीदार सब्जी है जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होने वाली है। और ये है लाई की सूखी सब्जी, हम खाने बैठ गए हैं अभी सभी लोग, मम्मी भी है यहाँ पे और सुमन भी बैठी है उससे। तो अभी खाना खा लेते हैं, गरम गरम है, जल्दी ठंडा हो जाता है आजकल, नहीं तो सर्दियों के दिन में। तो खाना खाते हैं यार, लाई की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं वो बताया मैंने आपको। तो वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और मिलता हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।